वेलकम टू इजी बिजी किचन, आपके अपने ही किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हम 2 से 3 कुकिंग ऑयल डालेंगे टेबल स्पून। और यहाँ मैंने 4 से 5 बारीक कट कर लिए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं अनियन। अब इस कुकिंग ऑयल गरम हो गया है, अब इस कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ये अनियन। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक की पकाएंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ कि इवनली पकेगा, कहीं काला कहीं ब्राउन कहीं वाइट हो जाता है, इससे ये हमारा नहीं होगा। पहले ही प्याज डालने से अनियन में ऐसे नहीं होगा। स्टार्टिंग में देखिए अनियन अपना पानी छोड़ेगा, हल्का ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। देखिए प्याज हमारा इवनली पक रहा है, सामने से देखिए आप। नमक डालने से यही फायदा होता है कि कहीं से प्याज लाल कहीं से ज़्यादा डार्क नहीं होता है, वो इवनली पकता है। हमारा पिंक होना स्टार्ट हो गया पिंक प्याज, साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च यहाँ पर बारीक महीन कट कर लिए हैं। हरी मिर्ची के साथ साथ हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2-3 लौंग, जीरा, चक्रफूल, दालचीनी, जायत्री और ये बड़ी इलायची और बिल्ली तेजपत्ता। हरी मिर्च के साथ साथ मुझे ये भी चाहिए और साथ ही साथ चाहिए मुझे रेड चिली 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इनके साथ साथ देखिए और भी मैंने यहाँ पर ले लिया है मीडियम साइज के, हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं 4 से 5 हैं ये हमारे। और अगर आप पीसना नहीं चाहते हो तो आपकी जैसे देसी वाले टमाटर जो होते हैं उसको महीन बारीक चॉप भी कर सकते हो अनियन की तरह। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम पनीर, इसको हम क्रम्बल करेंगे। और तब तक देखिए ये प्याज भी हमारा पिंक होने ही वाला है, बस देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया। इसको चलाते रहेंगे, अब इस स्टेज पे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए गोल्डन पिंक हमारा हो चुका है प्याज, बस हल्का सा इसको और स्टर करेंगे। एक बात आई आपने देखिए, नमक डालते ही मेरा देखिए एकदम कहीं से लाल कहीं से भूरा कहीं से कुछ नहीं, इवनली पक रहा है मेरा अनियन। जो अनियन है ये पूरा देखिए इवनली पक रहा है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये अपने गरम खड़े मसाले और इनको भी थोड़ा भूनेंगे साथ ही। बस ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर,
कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, इसको हल्का सा पकाएंगे और डालेंगे ग्रीन चिली, मैंने बारीक कट की हुई थी। अब मैंने वाटर नहीं डाल लेंगे, देखिए यहाँ पर डाल देंगे हम टमाटर, आपने रफली चॉप कर दिए हैं तो रफली चॉप कटे हुए डालिए और फ्लेम को कर लीजिए स्लो। टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी में थोड़ा हल्का ये टमाटर भून जाने के पक जाने के बाद इसमें हम क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल देंगे, इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। पहले मिक्स करेंगे, पनीर भुर्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अगर मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई अगर रेसिपी या कोई चीज़ छूट जा रही है तो जब आप कंटिन्यू आप वीडियो देखोगे तो उसमें पूरी दिखती है कि इसमें क्या क्या इसमें चीज़ डली हुई है। अभी मैं इसको अच्छे से पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, भूनूंगी, फिर ऊपर से हरा धनिया डाल के, फ्रेश कोरिएंडर डाल के, ऊपर से गरम मसाला डाल के सर्विंग के लिए सर्व करेंगे। ये रेडी हो गई हमारी पनीर भुर्जी। अगर इस रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करने से पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी, ये देखिए सेमी सेमी रहेगी ग्रेवी इसकी, ये देखिए पास से देखिए कितनी अच्छी और डिलीशियस लग रही है खाने में। आपका भी मन कर रहा है ना खाने का, तो लीजिए बनाइए आप भी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ़।